नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे इस YouTube चैनल में आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा जो वीडियो बनने वाला है, वो है कि जैसे मौसम चेंज हो रहा है, अभी सर्दी से हम गर्मी में आए हैं और मौसम जो है वो धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। ना अभी गर्मी कह सकते हैं हम, ना अभी हम सर्दी कह सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर टाइम में हम देखते हैं कि छोटी छोटी प्रॉब्लम हमें हो जाती हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार और पेट की समस्या बहुत आम देखने को मिलती है, जिसमें उल्टी, पेट दर्द, दस्त, सर दर्द भी काफी देखने को मिलता है इस टाइम में। जो लोग माइग्रेन जिनको रहता है, सर में दर्द रहता है, उनका दर्द बढ़ भी जाता है पर्टिकुलर टाइम में जब मौसम चेंज होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बदलते मौसम में हम अपने शरीर को इसके अनुकूल कैसे परिवर्तित करें धीरे धीरे, और क्या हम करें और क्या ना करें, मतलब डूज और डोंट। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है और दिन में अर्ली मॉर्निंग और नाइट में हम देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी ठंड हमें देखने को मिलती है, लेकिन दिन में जब सूरज निकल जाता है, जब धूप होती है, तो गर्मी का हमें एहसास होता है और उस टाइम हमें लगता है कि जैसे गर्मियां आ गई है, लेकिन गर्मी अभी पूरी तरीके से आई नहीं है। ये हमें ध्यान रखना है, हमें एकदम से अपने आप को उस तरफ नहीं मोड़ लेना है कि गर्मी आ गई। अब वो हम क्या करते हैं और क्या हमें नहीं करना है, तो सबसे पहली बात है कि एसी से बहुत दूर रहना है। एयर कंडीशन में रहने की जिन आदत है, उन लोगों को एसी से दूर रहना है, ऑफिस में भी और घर में भी। एसी अभी ये समझो कि पूरा मार्च तो एसी हमें चलाना ही नहीं, अगर शरीर को बचाना है तो, क्योंकि बार बार बीमार होने से और जुकाम लगने से या इस टाइप की चीजें होने से शरीर की इम्यूनिटी भी कमजोर होती है, जिससे फिर वो चीज बार बार फ्रीक्वेंट होने लगती है। तो यहां बचा हुआ दूसरा बचाव हमें करना है कि एकदम से हमें ठंडे पानी पे स्विच नहीं होना है। वैसे तो पूरे सीजन में ही बहुत ज्यादा ठंडा पानी गर्मी में भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन अभी भी हमें, जैसे हम नॉर्मल पानी या गर्म पानी पी रहे हैं, तो अब गर्म पानी तो ना पिए, अब आप नॉर्मल पानी पे आ सकते हैं, सीधे जो नल से पानी आता है या फिर रूम टेम्परेचर के आसपास के पानी को आप पी सकते हैं। वो ठंडे पानी पे स्विच एकदम से नहीं करना है, नहीं तो फिर गले की तकलीफ बढ़ जाएंगी आपकी, एकदम से गला पकड़ जाएगा, गले में दर्द, निकलने में दिक्कत और नाक बंद। जिनको साइनस की प्रॉब्लम है उनको सर दर्द बढ़ सकता है, जिनको पोलीपस है, नाक में मांस बढ़ा हुआ है, हड्डी बढ़ी हुई है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, खांसी हो सकती है। अब तीसरी चीज है कि तीसरा परिवर्तन हम एकदम से करते हैं कपड़ों में। जैसे 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 आपको लगता है कि गर्मी आ गई, तो बहुत सारे लोग हाफ स्लीव्स में या फिर बिना स्लीवलेस कपड़ों में एकदम से आ जाते हैं, वो नहीं करना है। इस पूरे महीने लगभग हमें पूरी बाजू वाले कपड़े पहनने हैं, जहां तक मेल की बात है, क्योंकि मेल मैक्सिमम देखा जाए हमारे देश में तो 100% मेल जो है वो बाहर काम करते हैं और 80% जो औरतें हैं वो घर में काम करते हैं। जो ऑफिस गोइंग लोग हैं, वो उनको ध्यान रखना है कि फुल स्लीव्स ही पहनना है। कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है तो हम थोड़ा बहुत स्लीव्स को ऊपर कर सकते हैं, इतना तो चलेगा, लेकिन एकदम से आप हाफ स्लीव में या फिर दूसरी चीज में आ जाए तो वो नहीं चलेगा, वो नहीं करना। तो फुल स्लीव्स के कपड़े हमें पहनने हैं, ये बचाव हमें शरीर का करना है। तीसरी चीज है कि अभी एकदम से शरीर हमारा गर्मी का आदि नहीं है, तो बहुत ज्यादा धूप में नहीं निकलना है और धूप में बहुत ज्यादा देर नहीं बैठना है। इवन सुबह भी अगर आपको थोड़ी ठंड लगती है, तो आप 5-7-10 मिनट धूप जो है वो ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा धूप में नहीं रहना, क्योंकि अभी सूरज एकदम से तेज होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये ध्यान हमें रखना है, जो हमारे सराउंड्स हैं और जो इन्वायरमेंट है उसको, कपड़ों को लेके भी मैंने बता दिया आपको। अब खाने पीने की बात करते हैं, पानी का तो मैंने बता दिया आपको, खाने की मैं बता रहा हूं, तो बहुत ज्यादा ऑयली फूड हमें नहीं खाना है, और ऐसा खाना भी नहीं खाना है जो आसानी से डाइजेस्ट ना हो, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो
आप लोग जानते हैं कि पहले लोग कहते हैं कि ये फरवरी का महीना, स्टार्टिंग मार्च का जो महीना है इसमें खून बदलता है, ये तो वो चीजें, वो प्रोसेस भी होता है एक्चुअली, प्योरिफिकेशन का काम भी चलता है अगर मैं नेचुरली तरीके से देखूं, एंशियंट पुराने समय में जो लोग कहते थे वो भी होता है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि इस समय बहुत अच्छा, बहुत शुद्ध, बहुत साफ खाना चाहिए, तो शरीर जो है वो साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। थोड़ा आप कर सकते हैं तो एक पत्ता, दो पत्ता कपोल जो नीम का होता है, जो स्टार्टिंग की पत्ती निकलती है पीले पीले से, लाइट ग्रीन और पीले कलर की जो होती है, उसको खा सकते हैं, कड़वा नहीं लगता है। नेचुरल क्लीनर है वो, बॉडी क्लींजर है एक तरीके से, ब्लड साफ करता है। लेकिन हम नॉर्मल खाने की बात कर रहे थे, वहां आपको ध्यान रखना है कि बहुत सिंपल साधारण जो आराम से पच जाए ऐसा खाना हमें लेना है, बहुत गरिष्ठ जो देर से पचता हो और जिसको खाने से तीखापन या दूसरी चीजें, कब्ज जैसी चीजें होती हैं, वो हमें नहीं खाना है। तीसरा, शाम के टाइम आपको बचना है दही और मठ्ठा, छाछ जिसको बोलते हैं, इन चीजों से बचना है शाम को और रात को, मैक्सिमम कंडीशन में वो नहीं लेना है। आइसक्रीम जैसे शादी विवाह जो होते हैं तो उसमें लोग वैसे तो गर्म खाने के बाद कभी भी आइसक्रीम नहीं खाना है, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम में तो खाना ही नहीं है। वैसे तो लोग, मैं देखता हूं कि जनवरी, फरवरी, दिसंबर उसमें भी खा रहे हैं, अब वो कितने सही हैं, कितने स्वस्थ हैं, वो सब आप जानते ही हैं। खैर उस पर नहीं जा रहे हम, अभी हम बात कर रहे हैं कि जो जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो शरीर को परिवर्तित करना चाहते हैं, उनको आइसक्रीम से बचना है पूरे तरीके से। खाने के बाद तो कभी भी नहीं खाना है, गर्म खाने के बाद ठंडी चीज कभी नहीं खानी है, न पीनी, लेकिन नॉर्मल चीज की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल में आपको भी बचना है आइसक्रीम से। ये इतनी सारी चीजें हैं, अगर इन सब को हम एक महीना फॉलो कर लेंगे तो पूरी उम्मीद है कि आप छोटी छोटी बीमारी, सर्दी, जुकाम, खांसी, नजला, इन चीजों से, बुखार, सर दर्द, पेट दर्द, दस्त, उल्टी, इन सब चीजों से बचे रहेंगे। छोटे बच्चों का ध्यान रखना है कि उनको अगर दो चार पांच भी उल्टी दस्त हो गए, आप उनको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो वो एडमिट करे बिना नहीं मानेगा, उसको हॉस्पिटल में मंथली उतने लोग एडमिट करने ही हैं, तो आपको उसे बचाना है। उससे बचाने का तरीका यही है कि आप नॉर्मल डाइट प्लान और चीजों को फॉलो कीजिए। अब अक्सर क्या करते हैं, भाई छोटा बच्चा है, 3-4-5 साल, 6 साल, 8 साल का, तो हमें गर्मी लग रही है, हमने एसी चला दिया, उसका ध्यान हम रख नहीं रहे हैं, तो फिर वो बीमार हो जाए। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है और इन चीजों को फॉलो करेंगे, इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आप बचे रहेंगे इन बीमारियों से। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।